अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद नासिर अली और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल की। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए डिश सेटिंग कर सकते हैं। काफ़ी सारे दोस्त इजी कैप डिवाइस के बारे में पूछते हैं कि उसको कैसे यूज़ करना है अपने मोबाइल फ़ोन पर, उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है और उसका कम्प्लीट मैथड भी हमें बताएँ। तो उसकी काफ़ी सारी वीडियोस आपको YouTube पर मिल जाएंगी, लेकिन आज मैं एक तफसीली वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको स्टेप बाई स्टेप कंप्लीट मेथड बताऊँगा। अगर आज तक आपने इजी कैप डिवाइस यूज़ नहीं की तो ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी इजी कैप डिवाइस की मदद से डिश सेटिंग कर सकेंगे। इजी कैप डिवाइस एक डिवाइस होती है जिसकी मदद से आप अपने डिश रिसीवर को मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि इजी कैप डिवाइस को यूज़ करने के लिए आपके पास जो मोबाइल फ़ोन हो वो OTG सपोर्टेड होना चाहिए, ठीक है। अगर OTG सपोर्टेड नहीं होगा तो इजी कैप वर्क नहीं करेगी। OTG सपोर्टेड का बहुत आसान मेथड है चेक करने का। आपके पास अगर USB है, USB लगाकर अपने मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच करके चेक करें, वो अगर उसको उठा लेता है, उसके साथ वर्क करती है, तो इजी कैप डिवाइस भी उसके साथ वर्क करेगी। अगर आपके पास OTG वाली USB नहीं है तो आपको ये केबल बाय करनी पड़ेगी। ये देख लें आप, ये OTG केबल जिसे आप कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ। ये एक तरफ से ये USB होती है और दूसरी तरफ से मिनी USB, देख लें। ये केबल आपको बाय करनी पड़ेगी, 30 या 40 रुपये की ये आपको मिल जाती है। यहाँ पर आप अटैच करेंगे, इस तरफ लगाएंगे USB ड्राइव बड़ी पोर्ट में, और ये वाली जो इसकी पोर्ट है ये आपके मोबाइल फ़ोन में लग जाएगी। तो ये तो हो गया कि आपको क्या चाहिए होगा। उसके बाद दोस्तों, इजी कैप डिवाइस आपको चाहिए होगी। इजी कैप डिवाइस ये देख लें, ये इस तरह की होती है, इसके साथ ये केबल्स होती हैं, ये देख लें आप, ये ऑडियो वीडियो केबल्स हैं इसके साथ, और इसके साथ ये डिवाइस होती है, ठीक है। इसके साथ लिखा होता है इजी कैप, ये देख लें आप, इसका यहाँ कवर होता है, कवर आप ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी USB, ठीक हो गया दोस्तों, देख लें, ये इजी कैप डिवाइस, ठीक हो गया। ये OTG केबल होगी और ये डिवाइस होगी, ठीक है दोस्तों। तो मोबाइल को डिश रिसीवर से कनेक्ट करने के लिए आपको एक तो ये बाय करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। ये जो है इजी कैप डिवाइस, आपको ये चीज़ें आपने देख ली फ्रेंड्स, ठीक हो गया। ये डिवाइस भी आपने देख ली और ये OTG केबल भी आपने देख ली, ये चीज़ होगी। उसके बाद दोस्तों, आपको चाहिए होगी ऑडियो वीडियो की केबल, जो कि आप रिसीवर के साथ कनेक्ट करके इस इजी कैप डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये तो रिक्वायरमेंट मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट। ये नॉर्मल जो केबल होती है, ठीक है, AV केबल इसे आप कहते हैं, देखिए ये केबल आपको चाहिए होगी, ये देख सकते हैं आप, ठीक हो गया, ये केबल आपको चाहिए होगी। तो ये तो होगी चीज़ें। अब हम जाते हैं सेटअप की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने रिसीवर को ऑन कर लेता हूँ, मैं इसको पावर दे देता हूँ, फिर हम आगे जाके देखते हैं कि क्या करना है। डिश रिसीवर को ऑन कर दी, देखें आपके सामने ये पावर ऑन हो चुका है, ठीक हो गया। ये मेरे पास इको लिंक का रिसीवर है, डिश सेटिंग के लिए मैं यही रिसीवर यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें सिग्नल क्वालिटी अच्छी शो होती है, 100% सिग्नल शो होती है। तो इसको मैंने ऑन कर दिया, उसके बाद हम जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये देखिए ऑडियो वीडियो वाली जो केबल है ये अपने डिश रिसीवर में लगाता हूँ, तो इसको मैं लगाता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं फर्दर। दोस्तों, एक साइड से मैंने लगा दिया डिश रिसीवर के साथ, अब दूसरी साइड से हमें लगाना है इजी कैप डिवाइस के साथ। ये देखिए, इजी कैप डिवाइस के साथ हमें इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। एक तरफ से आपने लगा दिया डिश रिसीवर के साथ और दूसरी तरफ से आप लगा देंगे इजी कैप डिवाइस के साथ। ये देखिए, मैं आपके सामने कनेक्ट कर रहा हूँ, ये हो गया, ये देखिए कनेक्ट हो चुकी है डिवाइस, ये आप देख लें, ठीक हो गया, रिसीवर के साथ हमने कनेक्ट कर दी, ठीक हो गया। अब इसका मैं कवर उतारता हूँ, ये वाला देख लीजिए। कवर उतारने के बाद यहाँ पे आप ये OTG केबल लगाएंगे, देख सकते हैं आप, OTG केबल की जो USB वाली साइड है वहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट कर दिया, देख रहे हैं आप, कनेक्ट। उसके बाद दोस्तों, आपने मोबाइल फ़ोन की तरफ आना है और मोबाइल में आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मोबाइल फ़ोन आपके सामने, ठीक हो गया, देखने मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल फ़ोन के डायरेक्ट प्ले स्टोर पे कि कैसे आपने इसको। दोस्तों, आप प्ले स्टोर पे जाएं,
प्ले स्टोर पे चले गए हम। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है यूएसबी कैमरा, क्योंकि मैं सर्च करके आपको बताता हूँ यूएसबी कैमरा। तो ये देखिए ये यूएसबी कैमरा मैं ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, ये आप देख सकते हैं इसका आइकन, ये पहले नंबर पे जो आ रहा है देख सकते हैं आप। मैं क्लियर करके आपको दिखाता हूँ, ये यूएसबी कैमरा कनेक्ट इजी कैप, ठीक है। इसको आपने डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं अब इसे ओपन करता हूँ। तो ये हो गया दोस्तों। इसके बाद हम क्या करते हैं, आपके सामने मैं लाइव इसको ओपन करता हूँ, ये देख लें। मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये हो गई एप्लीकेशन इंस्टॉल। उसके बाद आपने ओटीजी जो केबल आपने एक साइड से इजी कैप डिवाइस के साथ कनेक्ट की थी, अब दूसरी साइड से आपने मोबाइल में लगा लेनी है। जब वेब यूएसबी कैमरा आपके पास इंस्टॉल होगा तो खुद ब खुद वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप प्लग इन करेंगे, ये देखिए मैं प्लग इन करने लगा, ये देखिए आपके सामने मोबाइल मैंने लगा दिया, देखिए यूएसबी कैमरा की ऑप्शन आ गई और खुद ब खुद रिसीवर का डिस्प्ले हमारे पास आ जाएगा, ये देख सकते हैं। अब मैं रिमोट से आपको चेंज करके भी दिखाता हूँ जिस जो इसका फंक्शन है, ये देख सकते हैं आप। मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये देख लें आप, ठीक है। रिसीवर हमारा कनेक्ट हो चुका है डिवाइस के साथ, ये देख लें, ये देखें, ये देखें डिस्प्ले आ चुका है, चैनल लिस्ट भी आ चुकी है। केबल मैंने नहीं लगाई हुई डिश की, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको समझाना ये था कि आप इजी कैप डिवाइस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने कनेक्ट हो चुका है मोबाइल के साथ, अब आप डिश सेटिंग बआसानी कर सकते हैं। तो बहुत इजी मेथड है, जस्ट आपने ये कनेक्शन बनाना है जो मैंने आपको बता दिया। देखिए मोबाइल के साथ आपने ओटीजी केबल लगानी है, ये देख लें आप, ये दूसरी साइड से आपने इजी कैप डिवाइस के साथ लगा देनी है, और ये जो ऑडियो वीडियो की केबल है दूसरी साइड से रिसीवर के साथ लगा देनी है, और आपने यूएसबी कैमरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आपके पास ये आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल गीक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी लेटेस्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल गीक पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हमारी तमाम वीडियो आप देख सकें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।